एक थोड़ा सा ट्रिक है जो कि इंस्टीट्यूट के सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, वो ये है कि जब आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करोगे और कोटेशन अगर डायरेक्ट है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करोगे, 1 + रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री डिवाइडेड बाय 1 + रेट ऑफ फॉरेन कंट्री इज इक्वल टू फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय स्पॉट। लेकिन अगर कोटेशन इनडायरेक्ट निकले तो फॉर्मूला बदल जाता है, ऊपर नीचे होगा बस, 1 + रेट ऑफ फॉरेन कंट्री डिवाइडेड बाय 1 + रेट ऑफ डोमेस्टिक कंट्री इज इक्वल टू एफ बाय एस। सब कुछ सेम है, सिर्फ ये जो आर एफ था ऊपर चला गया, आर डी था नीचे आ गया। ये भी नहीं करना आपको तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 + रेट ऑफ डोमेस्टिक 1 + रेट ऑफ फॉरेन इज इक्वल टू एस बाय एफ, तो उधर वाली साइड को ऊपर नीचे कर दो, किस कोई तो एक साइड को ऊपर नीचे करो, तब आपका आंसर सही आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसा किया गया है कहाँ पे, ये भी बता देता हूँ, एक सेकेंड ना होल्ड करना। ध्यान देंगे मैं कहाँ बताने वाला था आपको, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 इन चैप्टर नंबर 11, ठीक है। एक एक्स वाई लिमिटेड का एक क्वेश्चन है जिसमें आप हो इंडिया में, तो आपकी होम करेंसी हुई सर रुपीस और फॉरेन करेंसी है दूसरी यहाँ पे अफ्रीकन रैंड। अब आपको जो एक्सचेंज रेट दिए है वो है सर अफ्रीकन रैंड 6 पर रुपीस, तो आपको एक्सचेंज रेट इस तरह से दिया, अफ्रीकन रैंड पर रुपीस 6, तो 6 क्या है वैल्यू, 6 इज अफ्रीकन रैंड विच इज माई फॉरेन करेंसी एंड दैट्स वाई दिस कोट इज इनडायरेक्ट टू मी। क्योंकि कोटेशन इनडायरेक्ट है इसलिए आगे जब इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी यूज यूज करने का टाइम आया, इन्होंने शायद लिखा नहीं है ना यहाँ पे, इन्होंने सिर्फ ऐसा लिख दिया एक्सचेंज रेट एज पर आईआरपी। अब आगे जब एक इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी इस्तेमाल करने का मौका आया तो 6 तो स्पॉट रेट थी, ये 7.6364 निकालना था। अब एक्सचेंज रेट सॉरी यहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्री लग रही थी तो इन्फ्लेशन रेट लेंगे, तो अगर आप नॉर्मल सा फॉर्मूला लेते 1 + ID डिवाइडेड बाय 1 + IF इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय एस, तो कैसा लिखते, डोमेस्टिक कंट्री का रेट दिया हुआ था 10% और फॉरेन कंट्री का रेट दिया हुआ था 40%। मैं आपको इसी में अभी वही बता देता हूँ, ये देखो ये 10% और ये 40%, ठीक है, अफ्रीका का 40 था। तो अगर आप ऐसा लेते 1.10 इज इक्वल टू 1.140, अरे फॉरवर्ड डिवाइडेड बाय 6, स्पॉट रेट 6 था, तो आंसर क्या आता, तो आंसर आता सर एफ इज इक्वल टू 4.714, जो कि एक्चुअल में आंसर कितना है 7.6364। क्यों गलत हुआ पता है, क्योंकि आपने फॉर्मूला लगाया डायरेक्ट कोट वाला जबकि कोटेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है इनडायरेक्ट, तो आपने करना चाहिए था इनडायरेक्ट, यानी कि 1.40 लिखेंगे ऊपर उल्टा, ठीक है, और 1.1010 लिखेंगे इधर नीचे, या तो 10 ऊपर रख के 40 नीचे रखो लेकिन 6 उधर में ऊपर कर दो, कहीं तो क्रॉस चेक करो, ठीक है। तो अब अगर मैं सॉल्व करूं तो 1.40 डिवाइडेड बाय 1.1 इनटू 6, तो आंसर आता है सर 7.6363, ये देखो 7.6364।
समझा क्या? ये चीज़ आपको सिलेबस में नहीं लिखी हुई मिलेगी, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि बस फॉर्मूला डाल दिया और आंसर आ गया, ऐसा नहीं है सर। ये क्या ओपन कर लिया? तो आज के बाद से एक चीज़ याद रखेंगे इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में, कि सर अगर डायरेक्ट कोड दिया है तो RD डिवाइडेड बाय RF, इनडायरेक्ट दिया है तो RF डिवाइडेड बाय RD। आपकी फॉरेन करेंसी और होम करेंसी पे डिपेंड करता है बहुत कुछ। और अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी की बात करते हैं, एक जगह जहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जाती है, ये क्या है सर? अनकवर्ड इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में एक चीज़ बोली गई कि सर IRPT स्टेट्स दैट द साइज ऑफ द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन, इस चीज़ को अंडरलाइन करेंगे, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बिटवीन टू कंट्रीज। सो फॉरवर्ड रेट और डिस्काउंट जो है, प्रीमियम और डिस्काउंट जो है, आप कैसे निकालते हो? इस फॉर्मूले से निकालोगे, फॉरवर्ड प्रीमियम या डिस्काउंट, प्रीमियम यानी अप्रिसिएशन, डिस्काउंट यानी डेप्रिसिएशन। ठीक है सर, आगे अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ कि क्या है किस्सा। आपका इंटरेस्ट रेट है US का और इंडिया, US का है सर 2% और इंडिया का लेट से 8% है, और इंडिया की करेंसी स्पॉट रेट जो है यहाँ पे, सॉरी इंडिया की नहीं, जो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है वो लेट से 70 है, और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट जो आपको दिया हुआ है, ये एक काम करते हैं हम, हाँ अब मान के चलो कि अगर फॉरवर्ड रेट जो दिया हुआ है वो है 74.20 रुपये, सो रुपीज़ पर डॉलर स्पॉट रेट और रुपीज़ पर डॉलर फॉरवर्ड रेट। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि दो कंट्री के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का गैप आता है 6% का आ रहा है, विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द गैप बिटवीन दीज टू, दीज टू यानी पैसों में गैप नहीं, परसेंटेज में। सो इनमें जो प्रीमियम या डिस्काउंट है, इनके बीच के गैप, इनके बीच का जो भी डिफरेंस आ रहा है, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू इंटरेस्ट रेट। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है? द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट रेट ऑफ द टू कंट्रीज विच इज 6% शुड बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द प्रीमियम और डिस्काउंट बिटवीन दीज टू स्पॉट एंड फॉरवर्ड। सो निकालो प्रीमियम कितना है, हम कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? अगर डॉलर में निकाल रहा हूँ तो फॉरवर्ड माइनस स्पॉट डिवाइडेड बाय स्पॉट आता है, सो 74.20 डिवाइड माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70, तो 6% इज इक्वल टू, अगर हमें ऐसा निकालने जाऊँ, 74.20 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो आता है 6%। अब 6 आए, 5.90 आए, 6.10 आए, अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा, हमेशा एग्जैक्ट सेम नहीं आएगा। तो मतलब क्या है सर, क्यों इस्तेमाल करना है इस थ्योरी का, मैं क्या बता रहा हूँ समझो। अगर मैं आपको ये चार फिगर दे दूं और मैं बोलूं कि बताओ कि पैसा कमाना पॉसिबल है क्या, यहाँ पे कुछ आर्बिट्राज गेन या लॉस हो सकता है क्या, तो मैं यहाँ पे बोलूंगा सर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच के इंटरेस्ट रेट गैप इज इक्वल टू द प्रीमियम ऑन डॉलर, ठीक है, सेम है तो नहीं हो सकता, लेकिन अगर अलग-अलग होता तो पॉसिबल है। अब अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक काम करता हूँ, 74.20 को काट के आप एक काम करो, इसको ले लो 72, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट के बीच में डिफरेंस तो 6% हो गया, ये तो क्लियर कट समझ में आ रहा है, 8 माइनस 2, और आप प्रीमियम निकालो कितना है, 72 माइनस 70 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100, तो ये आता है सर 2.86%। अब बताओ दिस इज इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, एंड दिस इज प्रीमियम ऑन डॉलर। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी के हिसाब से ये दोनों फिगर्स सेम आनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली, अगर सेम आती है तो कोई भी आर्बिट्राज गेन पॉसिबल नहीं, और अगर नहीं आती सेम तो आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपको चार फिगर दे दी तो उसका दूसरा स्टेप रहेगा ये दो चीजें निकालना, ठीक है, एक सेकंड ना।
और ये दो चीजें निकालने के बाद आप बोल सकते हो कि सर बिकॉज इन दोनों में दोनों सेम नहीं है, दैट्स वाई आर्बिट्राज गेन इज पॉसिबल। अब आर्बिट्राज गेन हासिल करने के लिए कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन सी में बोरो करना चाहिए, ये डिसाइड करना इम्पॉर्टेंट है। तो आपको जब भी ये चार चीज़ें दी जाए तो कौन सी करेंसी में इन्वेस्ट करोगे और कौन सी में आप बोरो करोगे, ये कैसे डिसाइड किया जाता है, ध्यान देना यहाँ पे। कुछ रूल्स लिख के दे रहा हूँ मैं। लो इंटरेस्ट रेट वाली जो करेंसी है, आईआरपीटी क्या बोलता है कि जिस कंट्री की करेंसी, जिस कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होंगे, उस कंट्री की करेंसी जो है, उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होनी चाहिए। और अगर किसी कंट्री में हाई इंटरेस्ट रेट है, तो उस कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए। या फिर आप उसको ऐसा लिखो, हाई इंटरेस्ट रेट कंट्री लिखना, ये रूल है, हमेशा काम आएगा। और लो इंटरेस्ट रेट कंट्री लिखा, तो किसी कंट्री में अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो उस कंट्री की करेंसी लॉजिकली एप्रिशिएट होनी चाहिए आईआरपीटी के हिसाब से। उस कंट्री की करेंसी एप्रिशिएट होगी और हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होगी, कितना परसेंट, कितना परसेंट? इट शुड एप्रिशिएट और डेप्रिशिएट बाय द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। दो कंट्री की करेंसी में जो भी इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होगा वो, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ठीक है, अब समझो बात को, मैं क्या बता रहा हूँ, दिमाग लगाना। फिर मैं आपको एक एक्सेल शीट दिखाऊंगा जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि सही है ये फॉर्मूला। अब किसी भी कंट्री में अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा तो लॉजिकली कोई भी लेमैन जो होगा वो चाहेगा इस कंट्री की करेंसी में मैं इन्वेस्ट करूं। ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, कम इंटरेस्ट रेट पे कोई भी बोरो करना चाहता है, ठीक है। बट इन दोनों के बीच में लेट से 6% का डिफरेंस आ रहा था ना अपना, पहला 2% और 8%, तो इसका मतलब है इन दोनों के बीच में जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल आ रहा है वो है 6%। यानी कि अपनी जो करेंसी है लो इंटरेस्ट रेट वाली, ये 6% से एप्रिशिएट होनी चाहिए। और जब तक 6% से एप्रिशिएट नहीं होती, तब तक आप उस कंट्री की करेंसी में बोरो कर सकते हो, उस कंट्री से आप बोरो कर सकते हो क्योंकि लो इंटरेस्ट रेट है। दूसरे एंगल से पढ़ रहा हूं, हाई इंटरेस्ट रेट वाली कंट्री की करेंसी डेप्रिशिएट होनी चाहिए और जब तक उस कंट्री की करेंसी 6% से डेप्रिशिएट नहीं हो जाती, तब तक आप उस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई है। जो भी करना चाहो वो कर सकते हो, जब तक वो एप्रिशिएट नहीं हो जाता। आप क्या करना चाहते हो, आप लो रेट पे बोरो करना चाहते हो, करो जब तक एप्रिशिएट नहीं हो जाता। जब तक डेप्रिशिएट नहीं हो जाना नहीं होता उस कंट्री की करेंसी, डेप्रिशिएट होनी चाहिए, तो डेप्रिशिएट जब तक 6% से डेप्रिशिएट नहीं होती, तब तक आप उस कंट्री की करेंसी में अगर हाई इंटरेस्ट रेट है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। ये है लॉजिक। अभी थोड़ा समझने में दिक्कत जाएगी बट अब मैं बताता हूँ। देखो शुड एप्रिशिएट अप टू द रेट ऑफ डिफरेंशियल, ठीक है, एंड अंटिल देन
वी कैन बोरो इन दिस कंट्री। या फिर आप ऐसे बोलो, अगर वो 6% से कम से अप्रिशिएट होती है, ठीक है, तब तक आप बोरो कर सकते हो। जब तक 6% से अप्रिशिएट नहीं हो जाती, तब तक आप बोरो कर सकते हो। उसके बाद 6% से अप्रिशिएट अगर हो गई तो कुछ भी नहीं कर सकते, और 6% से ज़्यादा से अप्रिशिएट हो रही है तो उल्टा करना पड़ेगा। Until the appreciation is equal to appreciation, हाँ ठीक है। सो इस केस में क्या आएगा? Until then we can borrow and beyond that we should इन्वेस्ट। और यहाँ पे अनटिल देन वी कैन इन्वेस्ट एंड बियॉन्ड दैट वी शुड बोरो। ठीक है, ये तो अपन ने लिख लिया। अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं। थोड़ा सा टाइम मैं और लूंगा क्योंकि लॉजिक समझाना है। सो दिस इज एन एक्सेल शीट विच इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय मी। ठीक है, कुछ रेट्स वगैरह हम चेंज करके देखेंगे इसमें। इसको ओपन करते हैं एक्सेल शीट में, अगर हो सके तो। बिल लिया हुआ तो है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। अब लेट से फॉर एन एग्जांपल हम इंडिया और यूएस की बात करते हैं, और इंडिया का रेट सर हम लेते हैं 8% और यूएस का रेट लेते हैं सर 2%। ठीक है, 0.02, 2% ले तो कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, और दिस इज 0.02, नहीं 8%। ठीक है, सो आप अगर इंडिया का रेट देखोगे 8% और यूएस का रेट देखोगे फॉरेन रेट तो 2%, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कितना हो गया, 6। अब आप एक काम करो, स्पॉट रेट ले लो, रुपीस पर डॉलर का स्पॉट रेट लेते हैं 70। ठीक है, तो जैसे ही रुपीस पर डॉलर का स्पॉट रेट आप 70 लेते हो, आपको ये बता देगा वो कि फॉरवर्ड रेट कितना होना चाहिए। फॉरवर्ड रेट होना चाहिए सर 74.11 होना चाहिए, बट एक्चुअल में हम ना थोड़ी सी डिफरेंट फिगर लेते हैं। आप एक काम करो, आप रेट ले लो 80। तो जैसे ही आप 80 का रेट लेते हो तो आपको कुछ फिगर्स मिलती है, वो आप थोड़ा सा नोट करो। एक ये और एक ये, 6% इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी क्या बोलती है कि जो प्रीमियम है आपका 70 और 80 के बीच का जो प्रीमियम है वो भी 6% का होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो 14% का है, ज्यादा है। एप्रिसिएशन 6% से ज्यादा से हो रहा है। ठीक है, अब हमारा लॉजिक लगाते हैं हम, ध्यान देना।
हमारा लॉजिक क्या बोलता है सर, यहाँ पे आपको आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे निकाला हुआ है, रेड बोले तो ये गलत तरीका है और ग्रीन बोले तो सही तरीका। सही तरीके से क्या हुआ, आपने बोरो की होम करेंसी यानी कि INR और इन्वेस्ट किया डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, तब जाके आपको नीचे में प्रॉफिट आएगा 4,28,000 का। तो आंसर क्या निकलता है ऐसे केस में कि डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी, डॉलर में इन्वेस्ट करो। अब हम हमारे लॉजिक के हिसाब से देखते जो हमने लिखा था, 6% एप्रिसिएशन होनी चाहिए थी डॉलर की वैल्यू, लेकिन डॉलर की वैल्यू 14% से एप्रिशिएट हुई। हमने क्या बोला, जब तक 6% से एप्रिशिएट नहीं हो जाती तब तक आप बोरो कर सकते हो इस करेंसी में, और उसके बाद इन्वेस्ट करो। यानी क्या आंसर निकल रहा है, डॉलर में इन्वेस्ट करो। हमारा यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे भी आंसर जो आ रहा है वो पॉजिटिव यानी प्रॉफिट आ रहा है अगर हम डॉलर में इन्वेस्ट करें डिपॉजिट इन फॉरेन करेंसी। दूसरा हम फिगर देखते हैं, यहाँ ये डायरेक्ट कैलकुलेशन वाली फिगर है, तो मैं यहाँ पे 780 की जगह मैं 72 लिख के देखता हूँ। देखना यहाँ पे मैं 72 डाल रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप निकालोगे तो देखना ये रेड वाली चीज़ ग्रीन हो गई, यानी कि अब आपकी करेंसी बदल गई एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन वाली। 6% से अप्रिशिएट होनी चाहिए थी लेकिन एक्चुअल में सिर्फ 2.86% से अप्रिशिएट हुई। क्या, डॉलर, डॉलर की बात कर रहे हैं। 6% से डॉलर अप्रिशिएट होना चाहिए था। हमने यहाँ पे क्या लिखा कि सर जब तक 6% से डॉलर अप्रिशिएट नहीं हो जाता तब तक हम उसमें बोरो कर सकते हैं, और हमारा आंसर भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो कैसे आ रहा है, बोरो फॉरेन करेंसी $1,00,000, डिपॉजिट होम करेंसी, उसी से आपका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे 3,000। अगर आप उल्टा डिसीजन लेते हो, बोरो होम करेंसी करते हो, तो आपका नुकसान आएगा नीचे में, ये नुकसान कैलकुलेट किया हुआ रेड में 1,54,000 का। तो ये रूल आपको हमेशा काम आएगा, अंटिल देन वी कैन बोरो एट द लो रेट। एक चीज हमेशा याद रखना, ये बोरो इसलिए लिखा है क्योंकि लो रेट पे हम बोरो करना चाहते हैं, और इन्वेस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि हाई रेट पे हम कभी भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जब तक इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल से नहीं हो जाता कंपेयर। यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ सर, रिवीजन वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा इस पे हमने डिस्कशन कर लिया। आगे है सर परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी, और परचेसिंग पावर पैरिटी थेरी एग्जैक्टली इक्वल टू द इंटरेस्ट रेट पैरिटी थेरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ इंटरेस्ट रेट्स की जगह पे यहाँ पे इन्फ्लेशन के रेट्स इस्तेमाल होंगे, बाकी डायरेक्ट कोट है तो फार्मूला ये, इनडायरेक्ट कोट है तो फार्मूला ये, और वही फार्मूला आपका डिफरेंशियल वाला भी यहाँ पे लगेगा। उसके बाद में बात करते हैं सर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट। इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आपको एक फार्मूला देता है कि इन्फ्लेशन, सॉरी नॉमिनल और रियल रेट के बीच में आपको नॉमिनल और रियल रेट के बीच में आपको रिलेशनशिप बताता है। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के हिसाब से 1+ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1+ रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1+ इन्फ्लेशन का रेट होता है। नॉमिनल कैश फ्लोज को नॉमिनल रेट से डिस्काउंटिंग करनी चाहिए, रियल कैश फ्लोज को रियल रेट से डिस्काउंटिंग करनी चाहिए। दिस इज व्हाट द इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट इज, फॉर द टाइमिंग इट्स इनफ। उसके बाद में तीन चीजें आती है सर, एक्सपोजर इन फॉरेक्स। फॉरेक्स में एक्सपोजर का मतलब क्या होता है कि फॉरेन करेंसी में जब भी आप डील करते हैं तो उसमें कौन कौन से रिस्क होते हैं। सर फॉरेन करेंसी में जब भी आप डील करते हैं तो उसमें कई तीन तरह के रिस्क हो सकते हैं। एक तो होता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर का मतलब होता है कि आज आपने ट्रांजेक्शन किया, कॉन्ट्रैक्ट किया और सेटलमेंट कोई फ्यूचर डेट पे होने वाला है, आज कॉन्ट्रैक्ट किया और सेटलमेंट कोई फ्यूचर डेट पे होने वाला है, तो इन दो डेट के बीच के एक्सचेंज रेट का जो डिफरेंस होता है उसकी वजह से या तो आपको फायदा होगा या तो नुकसान होगा, उसे कहा जाता है रिस्क। सो आपको ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से गेन भी हो सकता है, ट्रांजेक्शन एक्सपोजर से लॉस भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो आपने अगर $1,00,000 का माल खरीदा है यहाँ पे 70 रुपए के हिसाब से, तो लॉजिकली आपने 70 लाख रुपए देने बनते हैं, लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो वो रेट हो गया 72, तो आपको 72 लाख रुपए देने पड़े। तो 70 की जगह जब आप 72 लाख रुपीज दे रहे हो तो ये जो 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ है इसे कहा जाता है ट्रांजेक्शन एक्सपोजर। निकालना आएगा ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, बहुत आसान है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में दूसरा पार्ट आता है सर आपका ट्रांसलेशन एक्सपोजर। नाउ दिस ट्रांसलेशन एक्सपोजर इज मोर और लेस अप्लीकेबल इन योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाला सब्जेक्ट, नॉट इन द SFM, बिकॉज ट्रांसलेशन एक्सपोजर का मतलब जब आप क्लोजिंग डेट्स पे बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट के आइटम्स होते हैं उसको आप ट्रांसलेट करते हो क्लोजिंग रेट्स पे या एवरेज रेट पे, तो जो प्रॉफिट एंड लॉस आता है, आप लिखते नहीं हो आपके अकाउंट में, एक अकाउंट बनता है प्रॉफिट और लॉस, या प्रॉफिट और लॉस, या फिर आप गेन गेन ड्यू टू एक्सचेंज रेट डिफरेंस।
सो जो एक्सचेंज रेट की वजह से जो डिफरेंस आता है वो ट्रांसलेशन एक्सपोजर है, जब बैलेंस शीट में क्लोजिंग डेट पे हम वापस से रिवाइज करते हैं, सॉरी वापस से रिवाइज करना क्या बोलता हूँ, जब हम रिवाइज करते हैं अपने बैलेंस शीट के आइटम्स, बैलेंस शीट के आइटम्स हो या जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एवरेज रेट से कन्वर्ट करते हैं, तो जो लॉस और गेन आता है उसे ट्रांसलेशन एक्सपोजर कहा जाता है। और बाद में इकोनॉमिक एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर आपको ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस दिखाता है कि अगर आपकी एक्सचेंज रेट यहाँ पे कुछ और था 70 और यहाँ पे हो गया 72, उसकी वजह से क्या होता है, सिर्फ आपको 2 लाख रुपए का नुकसान नहीं होता, आगे जाके आपके बिजनेस पे भी इम्पैक्ट डालता है, आपकी जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो भी कम ज़्यादा होती है, और उसकी वजह से भी जो नुकसान होता है वो भी 2 लाख रुपए में ऐड होगा। सो डिमांड की वजह से भी अगर नुकसान 1 लाख रुपए का हो रहा है, तो इकोनॉमिक एक्सपोजर आपका 3 लाख का कहलाया जाएगा। ट्रांजेक्शन 2, इकोनॉमिक 3, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्सपोजर, या आप बोल सकते हो बिजनेस एक्सपोजर। अब बात करते हैं सर रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, दिस इज गोइंग टू बी अ गुड थिंग। रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स, जब भी कभी हेजिंग की बात आएगी फॉरेक्स में, अभी आप लास्ट पॉइंट पे क्या देख रहे हो कि फॉरेन एक्सचेंज में होने वाले रिस्क को किस तरह से मैनेज किया जा सकता है। तो सर फॉरेन एक्सचेंज में रिस्क मैनेजमेंट के डिसीजन पॉइंट पे आप तो एक पहले डिसाइड करोगे कि आज अगर आपने डॉलर में कोई चीज़ खरीद के लाए हो, 3 महीने बाद उसका पेमेंट करना है, या फिर डॉलर में कोई चीज़ बेची हो, डॉलर यानी फॉरेन करेंसी में कोई चीज़ बेची हो, 3 महीने बाद वो पैसा मिलने वाला है, तो रिस्क तो है ना आपको। यहाँ पे रिस्क क्या है कि जब 3 महीने बाद डॉलर खरीद के देने की बात आएगी, तब शायद ज़्यादा पैसा देना पड़े। जैसे यहाँ पे 3 महीने बाद 1 लाख डॉलर खरीद के, 1 लाख डॉलर खरीदा तो 72 के रेट से खरीदा, 72 लाख रुपीज दिया, यानी ज़्यादा पैसा दिया, ये रिस्क था। 70 लाख की चीज का पेमेंट 72 लाख में किया, तो रिस्क है कि नहीं है सर? है। इस चीज को अवॉइड करना है कि नहीं करना है, ये डिसीजन लेना। तो अगर आपको हेजिंग करना है तो आप बोलोगे सर यस ठीक है मेरे को हेजिंग करना है, अदरवाइज हेजिंग नहीं करना, ये भी एक डिसीजन होता है। और अगर आपको हेजिंग नहीं करना तो उसको कहा जाता है कीपिंग द पोजिशन ओपन, ओपन रखना रिस्क को, जो रेट होगा उस दिन देखा जाएगा, उस रेट पे हम कन्वर्ट करेंगे, ये होता है कीपिंग द पोजीशन ओपन। दूसरा हिस्सा है सर हेजिंग, अगर ओपन रखना है, कोई हेजिंग नहीं करना तो कहानी वहीं खत्म हो गई ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, पढ़ रहो घर पे चले जाओ। लेकिन अगर हेजिंग करना है तो हेजिंग 2 तरीके से की जा सकती है, एक होता है इंटरनल हेजिंग, दूसरा होता है सर एक्सटर्नल हेजिंग। इंटरनल हेजिंग क्या होता है, इंटरनल हेजिंग के कई सारे तरीके हैं। सबसे पहले आता है सर होम करेंसी इनवॉइसिंग, जब आप सामने वाले को माल बेच रहे हो, आप इंडिया में हो, आप अमेरिका से कुछ सामान खरीद के लेके आ रहे हो, उसको बोलो बिल बनाए रुपीज में, डॉलर में नहीं रुपीज में, तो आपने इनवॉइसिंग कराई होम करेंसी में। अगर उसने रुपीज में आपको अमाउंट दे दी कि 50 लाख रुपए आपने पे करना है, तो आज पे करो या 6 महीने बाद करो, आपके जेब से तो 50 लाख रुपए ही जाएंगे, आई बात समझ में, क्योंकि आपने होम करेंसी में इनवॉइसिंग कराई। अगर फॉरेन करेंसी में कराते तो 1 लाख डॉलर का 70 के हिसाब से 70 लाख रुपए जाते आज, वही 6 महीने बाद पेमेंट करना पड़ा तो 1 लाख डॉलर का 72 के हिसाब से 72 लाख गए, ज्यादा गए। सो फॉरेन करेंसी में इन्वॉइसिंग करने के बजाय आप होम करेंसी में इन्वॉइसिंग करवाओ। लेकिन उससे एक दिक्कत होती है, जैसे अगर आप माल बेच रहे हो, अमेरिका से कोई तो कस्टमर आया आपके पास में और आपने उसको इन्वॉइसिंग कर दी, वो चाहेगा कि डॉलर में इन्वॉइसिंग करो, लेकिन आपके लिए रिस्क है, आपकी करेंसी में इन्वॉइसिंग नहीं हुई तो आपके लिए रिस्क है। और अगर आपने होम करेंसी में इन्वॉइसिंग कर दी रुपीज में, तो कस्टमर पे रिस्क शिफ्ट कर दिया, ये होता है। आपके यहां से तो हट गया, आपने तो हेजिंग कर ली, लेकिन आपने वो रिस्क खत्म नहीं किया, आपने रिस्क वो शिफ्ट किया है। होम करेंसी इनवॉइसिंग में खत्म नहीं होता रिस्क, शिफ्ट होता है कस्टमर पे, और इससे चांसेस है कि कस्टमर आपके आगे जाके कम हो सकते हैं। सो सिर्फ एक्सचेंज रेट का रिस्क हटाने के चक्कर में पूरा कस्टमर ही खत्म हो जाए तो पूरा प्रॉफिट खत्म हो जाता है, तो ये आपको काफी दिक्कत दे सकती है ये मेथड। दूसरा होता है लीडिंग एंड लैगिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 लाख डॉलर का माल आज खरीदा, 70 रुपए के हिसाब से आज 70 लाख देने बनते हैं, अगर आज देने होते तो आपको 3 महीने बाद देने हैं, और लेकिन आपको लग रहा है कि यार जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा तो वो रेट 72 हो जाएगा और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मेरे को नहीं पे करने। आपको लगता है कि आज से ठीक 1 महीने बाद रेट कुछ गिरेगा 69, फिर बढ़ना शुरू होएगा, तो आपको अगर लग रहा है 1 महीने बाद गिरेगा तो यहीं पे सेटलमेंट कर दो, 69 लाख रुपीज में सेटलमेंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर देना, या ड्यू डेट से पहले ट्रांजेक्शन सेटल कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग। लीडिंग का मतलब होता है सर जो भी ड्यू डेट है उसके पहले जब आप ट्रांजेक्शन खत्म कर रहे हो, भले ही वो एक्सपोर्ट वाला हो या इम्पोर्ट वाला हो, दैट विल रिजल्ट इन टू अ लीडिंग, सेटल हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है सर, 1 लाख डॉलर का माल बेचा, खरीदा नहीं, बेचा। आज अगर आपको पैसे मिलते तो 70 लाख मिल सकते हैं, लेकिन ये 6 महीने बाद मिलेंगे और आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे रेट 65 जा सकते हैं, तो फिर कन्वर्ट करा के 65 लाख ही हाथ में आएंगे, फायदा तो नहीं है। अगर आपको लगता है कि सर आज से ठीक 1 महीने बाद में रेट तकरीबन 69 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे अगर कस्टमर को बोलो फोन करके कि तू 6 महीने बाद देने वाला था, तू एक काम कर, आधा परसेंट डिस्काउंट ले ले, 1% डिस्काउंट ले ले, और तू मेरे को 1 महीने बाद ही पेमेंट कर। और लेट्स से फॉर एन एग्जांपल वो 1 लाख डॉलर की जगह आपको आपने तकरीबन उसको कितना, 10% तो नहीं, 1% का डिस्काउंट दिया हो, तो 1% के हिसाब से आपका 1,000 रुपये कम हो जाएगा और आपको 99,000 वो डॉलर पेमेंट कर देगा। तो सोचो यहाँ पे तो 1 लाख करेगा पूरा, तो उसके हिसाब से आपको 65 लाख रुपीज़ मिलते, लेकिन 99 भी अगर कर रहा है 69 पे, अगर वो 1 महीने पहले कर रहा है तो आपको उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, आपको 99,000 डॉलर मिलेंगे, 69 रुपीज़ पे कन्वर्ट कराओगे तो आपके हाथ में फिर भी 68.31 लाख होंगे। 1 लाख डॉलर लेके भी 65 लाख मिल रहे हैं आखिरी में, कम लेके भी ज़्यादा मिल रहे, तो क्यों नहीं, ये पूरा था ना, ये बेनिफिशियल है 68.31 लाख। तीसरा किस्सा, सो आपने क्या किया पता है, जो ट्रांजेक्शन किसी डेट पे सेटल होने वाला था उसके पहले ही सेटल कर लिया। सो दोनों केस मैंने आपको लीडिंग वाले बताए कि किसी भी डेट के पहले सेटल कर लेना, क्योंकि आपको लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि रेट आपके फेवर में होंगे पहले, तो पहले सेटल कर लेना, दिस इज कॉल्ड एज लीडिंग, दिस इज ड्यू डेट। अगर आपको लगता है इंपोर्टर हो या एक्सपोर्टर कि आपको किसी पहले वाली डेट पे आपके फेवर में रेट होंगे, तो आप पहले सेटल कर लो, यहाँ पे इसको कहा जाएगा लीडिंग। और आप यहाँ पे सेटल करोगे, आपको लगता है कि यार बाद में रेट फेवर में होंगे, तो आप थोड़ा सा लेट पेमेंट करो या लेट रिसीव करो, उसको कहते हैं लैगिंग। सीधी सी बात है, पैसा जल्दी मंगवाने के लिए डिस्काउंट देना पड़ता है, पैसा लेट पेमेंट करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। जो भी हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल के देखो कि जल्दी पेमेंट करके नेट में कितना बचता है, जल्दी पैसा लेके नेट में कितना बचता है, बचता है अच्छा, ज़्यादा ही बचता है तो लीडिंग, अदरवाइज ड्यू डेट, वैसे ही लैगिंग में करके देखो। उसके बाद आता है सर नेटिंग। नेटिंग में क्या होता है, कंपनीज अपनी जो पूरी ग्रुप कंपनी, एक कंपनी है, एक कंपनी की कई सारी ब्रांचेस है, कई सारे सब्सिडरीज होते हैं अलग अलग कंट्रीज में। अब कई बार क्या होता है, इन कंपनीज के बीच में आपस में कई सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। सो हेड ऑफिस इंडिया में है, इंडिया के हेड ऑफिस ने अमेरिका वालों को बेचा, अमेरिका वाले ने अपनी ही कंपनी के इंग्लैंड वाली ब्रांच को या इंग्लैंड वाली सब्सिडरी को कुछ बेचा, तो एक दूसरे से लेना देना बनता है। अब नेटिंग का मतलब यह होता है कि सर सब तो सबसे पहले तो आप एक ही करेंसी में कन्वर्ट कर लोगे सारा का सारा लेना देना, और फिर सेटल करोगे, दैट इज नेटिंग, नेट ऑफ करके। आप डॉलर इंडिया भिजवा रहे हो, फिर पाउंड आप सॉरी आप डॉलर इंडिया भिजवा रहे हो, फिर पाउंड इंग्लैंड भिजवा रहे हो, एक ही कंपनी दो अलग अलग जगह पे पेमेंट कर रही है अलग अलग करेंसी में, तो अलग अलग ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, अलग अलग ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है। ये सब ना करते हुए सारी ग्रुप कंपनीज या सब्सिडरी और हेड ऑफिस मिला के अगर एक ही करेंसी में सारा का सारा ट्रांजेक्शन सो जो लेना देना है वो कैलकुलेट कर ले, और फिर एक ही करेंसी में एक ही जन को अगर सेटल कर दे, तो कहानी खत्म हो जाती है। आई बात समझ में, दिस इज नेटिंग। और मैचिंग क्या होता है, मैच करना और नेट करना ये नॉर्मली एक दूसरे के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो हमने मैचिंग में पढ़ा था, ये तो हमने नेटिंग में पढ़ा था, बट नेटिंग और मैचिंग में बहुत छोटा सा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। मैचिंग में क्या होता है कि थर्ड पार्टी भी आके आपके साथ में ट्रांजेक्शन कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ मैचिंग कैसा होगा, दिस इज यूएस एंड दिस इज इंडिया, और चार लोग हैं, 1 2 3 4, लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इस पार्टी ने इसको देना बनता है 1 लाख डॉलर। अब मैं अपने मन से ले रहा हूँ, थोड़ा चेंज करूंगा अगर मुझे लगा तो। इस पार्टी ने इसको देना बनता है 50,000 डॉलर। आ रही बात समझ में आपको, अब कर क्या रहा हूँ, दो ट्रांजेक्शन हो रहे और इंडिया और यूएस के बीच में, यहां से 1 लाख डॉलर आ रहा है और वहां से 50,000 डॉलर जा रहा है, और इसमें
ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगती है, जो बैंक्स होती है ये एक्स्ट्रा पैसा खाती है। इससे अच्छा आप क्या करोगे पता है, इस बंदे को $50,000 मिलना ही है, आप किस तरह से सेटल करोगे? देखो ये बंदा 50,000 इधर दे दे, ठीक है, इधर ना देते हुए, तो उसको तो चौथे वाले को 50,000 देना था, किसी को भी दे इधर या इधर, अपनी ही कंट्री में देगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बचेगी, अपनी ही कंट्री में अगर देगा तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट बचेगी, क्योंकि उसको वैसे भी रुपीज रुपीज दे के डॉलर खरीदता और यहां भेजता। अब तो साला डॉलर खरीदने की झंझट ही खत्म, $50,000 रुपीज इंडिया के, इंडिया में रुपीज सेटल कर लिया, $50,000 जितना रुपीज वो इधर दे दे, चौथा पार्टी तीसरे को दे देगा। अब इसको 50 तो मिल गए, अब तीसरे वाली पार्टी पहले वाले को बोलेगी कि तू इधर में 50 दे दे, तो दूसरे को मिलना था, इसकी कहानी खत्म, चौथे वाले की कहानी खत्म, और मुझे सिर्फ तू $50,000 भेज। तो तीसरे वाली पार्टी को देखो, 50 चौथे से मिले और पहले से मिले, इंडिया के इंडिया में मिले तो कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही नहीं आई। और यहां पे भी देखो, एक ये जो बंदा है इसने यूएस के, यूएस में $50,000 इसको दे दिए तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं आई, इसको सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है या इंडियन पार्टी को ट्रांजेक्शन कॉस्ट लगी है जो ₹50,000 यूएस से इंडिया गया सिर्फ। तो आपने ये सब मैचिंग वैचिंग करके सब कहानी खत्म कर दी। अब क्या हुआ, ध्यान दोगे, पहले $1,50,000 पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही थी, अब सिर्फ $50,000 पे ट्रांजेक्शन कॉस्ट लग रही है, क्योंकि सिर्फ उतना ही अमाउंट एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा रहा है। ये होता है मैच करना, लेना देना जो भी होता है सेटल करना। उसके बाद में सर इंटरनल रेट ऑफ सॉरी इंटरनल मेथड एक और है आपके रिस्क को कम करने की। ये क्या किया सर, हमने रिस्क तो कम किया ही ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ $50,000 कन्वर्ट होने वाले हैं मैचिंग करने के बाद, सिर्फ $50,000 पे एक्सचेंज रेट का रिस्क है, बाकी तो सब सेटल हो गया अपने अपने देश में। प्राइस वेरिएशन का मतलब क्या होता है, कहीं आपको जाके अगर ऐसा लग रहा है कि आज मैं माल बेच रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा तो ही समझेगा सर। अब यहां से लो, आप कोई चीज इंडिया में 100 रुपए की बेचते हो, रुपीज पर डॉलर का रेट ले लो 50 है। अब कोई यूएस से अगर आपको ऑर्डर आता है तो आप उसको $2 का इनवॉइस बना के बेचते हो, क्योंकि 100 रुपए की चीज की इक्विवेलेंट वैल्यू $2 होती है। इंडिया में बेचा तो 100 रुपए में, यूएस में बेचा तो $2 में, ये डिसीजन सही नहीं है, क्योंकि 100 रुपए में बेचा तो 100 हाथ में आता है, लेकिन $2 बेचने के बाद 100 हाथ में आया ऐसा जरूरी नहीं, क्योंकि आज आपने जो रेट पे बेचा उसका पेमेंट आपको $2 यहां मिलने वाला है, और उस दिन अगर रेट 49 हो गए तो आपको सिर्फ 98 रुपीज मिलेंगे, 100 नहीं, $2 के 2 तो मिले लेकिन रुपीज 100 नहीं हुए। अगर आपको ऐसा डर है तो ऐसे टाइम पे आप $2 में नहीं, आप थोड़ा ज्यादा में बेचो, तो लॉजिकली उसकी प्राइस $2 बनती है, लेकिन आप इस प्राइस में कुछ वेरिएशन लाओ, आपको लगता है कि रिस्क हटाना है तो प्राइस बढ़ा दो, आपने $2.5 कर दी, तो इनवॉइसिंग में जब आप प्राइसेस बढ़ा देते हो अपने प्रोडक्ट की तो उसे कहा जाता है प्राइस वेरिएशन, और ये भी एक टेक्निक है रिस्क को कम करने की। तो अगर आप $2.5 में बेचोगे तो 2.5 × 49 आपको मिलेंगे, वो होता है सर 122.50, 100 से तो कई गुना ज्यादा मिल रहा है आपको, आई बात समझ में? सो दिस इज प्राइस वेरिएशन। और लास्ट में है सर असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट क्या होता है, बहुत ही सिंपल, आप साल भर ट्रांजेक्शन करते हो, साल भर ट्रांजेक्शन करने के बाद में पढ़ने का थोड़ा सा, या फिर मैं आपको बता देता हूँ, चलो साल भर ट्रांजेक्शन करते हो तो आप देखते हो कि एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे साल भर जाते जाते हैं। अब अल्टीमेटली आप क्या करते हो पता है, उस तरह से अपनी बैलेंस शीट में असेट्स अगर पैसा लेना है तो, या लाइबिलिटी अगर पैसा देना है तो, का बैलेंस लेके आते हो जिस हिसाब से आपको लगता है कि फ्यूचर में फॉरेन एक्सचेंज की मूवमेंट होने वाली है। जैसे अगर आपको लगता है, ध्यान देना, डॉलर आज 70 रुपए पर है, आप बेच रहे हो माल, एक्सपोर्टर हो, अगर आप एक्सपोर्टर हो, ठीक है, तो आज 70 है, कल 72 हो गया तो कितनी अच्छी बात है, $1,00,000 है यहाँ पे, $1,00,000 है, $1,00,000 आज मिलते तो सिर्फ 70 लाख होता है, एक सेकंड ना।
$1 लाख अगर आज आपको मिलते तो सिर्फ 70 लाख मिलते, लेकिन अगर 6 महीने बाद मिलेंगे तो 72 लाख मिलेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आगे जाके रेट 70 का 72 हो जाएगा, यानी कि एप्रिशिएट होगा, तो आप अपनी बैलेंस शीट में डॉलर के रिसीवेबल्स बढ़ाते जाओगे, क्योंकि आपको आगे गेन होगा। दिस इज़ कॉल्ड एज असेट मैनेजमेंट। उसी तरह से आप लाइबिलिटीज़ मैनेज करोगे। अगर आपको लग रहा कि 70 लाख देने के बजाय 72 देना पड़ेगा, तो लाइबिलिटीज़ आप डॉलर वाली कम करोगे, और अगर लग रहा कि 70 की जगह 57 हो रहा है, तो लाइबिलिटीज़ बढ़ाओगे आज, क्योंकि आगे जाके कम पेमेंट करना पड़ेगा। आई बात समझ में? दिस इज कॉल्ड एज असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। दिस इज ऑल इंटरनल हेजिंग। तो फॉर्मूला नहीं है सर कोई, तरीके हैं। सबसे पहले होम करेंसी में इन्वॉइसिंग करना, फिर लीडिंग एंड लैगिंग, नेटिंग, मैचिंग, प्राइस वेरिएशन और असेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट। जहाँ फॉर्मूलेज और कैलकुलेशन की बात आती है, वो है सर एक्सटर्नल हेजिंग। एक्सटर्नल हेजिंग में नॉर्मली आप डेरिवेटिव्स का इस्तेमाल करते हो। इंटरनल हेजिंग मतलब आप कंपनी के अंदर ही खुद ही आप किसी तरह से चीजों को तोड़ मरोड़ करके ट्रांजेक्शन करते हो, ताकि आपका रिस्क कम हो जाए। लेकिन एक्सटर्नल हेजिंग में आप एक्सटर्नल पार्टीज की मदद लेते हो। जैसे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आप बैंक की मदद लोगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन करेंसी पे लेने के लिए स्टॉक एक्सचेंज की मदद लोगे, स्वैप्स में भी आप बैंक की मदद लेते हो। ऐसे बाहर वाली पार्टियों से जब आप अपना रिस्क कम करने के लिए, करेंसी रिस्क कम करने के लिए मदद लेते हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल हेजिंग। और एक्सटर्नल हेजिंग में हम डेरिवेटिव्स देखेंगे। डेरिवेटिव्स में अगेन हम फॉरवर्ड करेंसी में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट लेना, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट लेना, फ्यूचर्स लेना और स्वैप्स लेने वाली बातें करेंगे। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हम ऑलरेडी यहाँ पे ले चुके हैं, या अगर हम हमने यहाँ पे देखा था कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, सॉरी यहाँ पे स्पॉट एंड फॉरवर्ड रेट। आज अगर आपको लगता है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको। आपने $1 लाख की मशीन मंगाई, आज रेट है ₹50 पर डॉलर। तो आज तो 50 लाख देना बनता था अगर आज सेटल होता तो, लेकिन आज सेटल नहीं होना है। आपने 6 महीने की मोहलत मांगी है, लेकिन आपको अब ले तो लिए मशीन, 6 महीने बाद $1 लाख देना है, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आके आपको लगता है कि साला यहाँ पे रेट ना 70 चले जाएगा, और जब मेरे को $1 लाख देने की बात आएगी, तब ₹70 लाख दे के $1 लाख खरीदूंगा और सामने वाले को पेमेंट करूंगा। और मैं नहीं चाहता यार कि 50 लाख की चीज का 70 लाख पेमेंट करूं। तो आज ही ये पॉइंट पे मैं बैंक जाऊंगा और बैंक के पास जाके बोलूंगा कि सर यहाँ से ठीक 3 महीना बाकी है ड्यू डेट को, ठीक है, 3 महीना बाकी है ड्यू डेट को, मैं 3 महीने बाद आपसे $1 लाख खरीदूंगा, आज रेट बताओ, आज रेट फिक्स करो, मैं उस दिन के रेट से पेमेंट नहीं करना चाहता, स्पॉट रेट पे आज रेट फिक्स करो। बैंक बोलता ठीक है, आप अगर $1 लाख खरीदोगे, पक्का बोलते हो 3 महीने बाद, तो हम आपको रेट कोट करते हैं 60 का। अब आप सोचते हो यार चल ठीक है, मेरे को लग रहा 70 हो जाएंगे, 70 लाख देने के बजाय 60 लाख देना ठीक है, भले ही ज्यादा ही दे रहे हो, लेकिन 10 लाख ही ज्यादा दे रहे हो ना। अगर आप ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते बैंक के साथ में, तो आपको 70 देना पड़ेगा, तो 20 लाख ज्यादा देने के बजाय तो सिर्फ 10 लाख ज्यादा दो। तो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर लिए, इसे कहा जाता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। आई बात समझ में? और कहानी खत्म। 3 महीने बाद आप 60 में पेमेंट करो और फिक्स हो गया आपका आउटफ्लो। उस दिन रेट 70 हो, 80 हो या 50 हो, कुछ भी रेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दूसरी बात आती है सर फ्यूचर्स की एंड ऑप्शंस की। अब इस चीज में एक ध्यान रखो, यहां पे गलतियां करते हैं बच्चे। क्या गलतियां करते हैं फ्यूचर्स में? क्या होता है, सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने खरीदने या बेचने ये डिसाइड करना पड़ता है। सो पहले तो आप नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालोगे, ठीक है। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के बाद आप डिसाइड करोगे कि हमें फ्यूचर्स खरीदना है या बेचना है। हमेशा खरीदना नहीं हो सकता, हमेशा बेचना नहीं हो सकता। एग्जाम्पल लगेगा सर, ऐसे तो समझ में नहीं आएगा। इंस्टीट्यूट का ही कोई प्रॉब्लम लेते हैं और मैं आपको समझाता हूँ।
एक सेकंड ना, फॉरवर्ड मनी करेंसी फ्यूचर्स वगैरह क्यों नहीं है कहीं पे? अच्छा ये रहा, यूज ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। अभी ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नाइट्रोजन लिमिटेड एक यूके की कंपनी है, तो इनका होम करेंसी हो गई पाउंड। अब इट इज इन निगोशिएशन ऑफ 4 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट, तो 4 मिलियन ये एक्सपोर्टर है सर। अब ठीक है, ये एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्टर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो उसको 4 मिलियन यूरो आएंगे। जब उसको 4 मिलियन यूरो, एक सेकंड ना होल्ड करना, बाहर में बातें ज़्यादा हो रही थी तो मैंने सोचा डिस्टरबेंस हो रहा होगा इसलिए मैंने मना करके आया उनको। चलो ठीक है, तो एक यूके की कंपनी जिसकी होम करेंसी है पाउंड, वो किसी यूरो करेंसी वाले कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कंट्री से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुल होता है तो 4 मिलियन यूरोज आएंगे। ये 4 मिलियन यूरोज में बेचना चाहता हूँ, 4 मिलियन यूरोज में बेचूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? मुझे सर यूरोज बेचना है, इसका मतलब मैं पाउंड खरीदना चाहता हूँ। मैं यूरोस बेच के पाउंड लेना चाहूँगा ना बैंक से मेरे कंट्री में। अब फ्यूचर्स खरीदना है कि बेचना है ये आपको बताना है, और इतनी सी इन्फॉर्मेशन से पता नहीं चलता। फ्यूचर्स खरीदना है कि बेचना है ये पता चलता है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का अंडरलाइंग असेट क्या है। अब आप यहाँ पे आओ और आप यहाँ पे देखो कि 6 मंथ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज करंटली ट्रेडेड एट 1.1760 यूरो पर पाउंड। अब आप मुझे ये बताओ कि आपको फ्यूचर्स बेचना चाहिए कि खरीदना चाहिए? आप बोलोगे सर 4 मिलियन यूरोज मुझे मिलने वाले हैं, 4 मिलियन यूरोज में बेचने वाला हूं, तो फ्यूचर्स बेचो। गलत, आपको क्या खरीदना है बेचना है उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सचेंज क्या खरीद और बेच रहा है उससे फर्क पड़ता है, और एक्सचेंज में यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट का साइज दिया है या यहाँ जो अंडरलाइंग असेट दिया है वो है पाउंड, यानी फ्यूचर्स अवेलेबल है पाउंड पे। ध्यान देना, फ्यूचर्स दो चीजों पे अवेलेबल हो सकते हैं, पाउंड पे या यूरो पे। अब अगर पाउंड पे फ्यूचर्स अवेलेबल है तो आप कैसे बोल सकते हो कि मुझे सर फ्यूचर सेल करना है? फ्यूचर सेल करना मतलब पाउंड सेल करना, और यहां पे अगर आप फ्यूचर सेल करते हो तो यूरो सेल करना। अंडरलाइंग असेट क्या है सर? पाउंड। और पाउंड के साथ आपको क्या करना है? ऊपर जाके देखोगे तो सर मेरे को पाउंड खरीदना है, तो आप फ्यूचर्स भी खरीदोगे। भले ही आपको यूरो बेचना होगा, लेकिन यूरो इज नॉट द अंडरलाइंग असेट। वॉट एवर इज द अंडरलाइंग असेट दैट शुड बी डिसाइडेड। सो पाउंड, आप पाउंड अगर आपकी अंडरलाइंग असेट है फ्यूचर्स में, तो पाउंड आप खरीदना चाहते हो तो आप फ्यूचर्स खरीदो। सिंपल, ये तो अंडरलाइंग असेट होता ना। यूरो अगर अंडरलाइंग असेट होता तो मैं यूरो बेचना चाहता हूं तो फ्यूचर्स बेचता ना, लेकिन यूरो अंडरलाइंग असेट है ही नहीं। वैसे ही ऑप्शंस, अब मैं ऑप्शंस में बता रहा हूँ कॉल और पुट में। ध्यान देना, एक और एग्जांपल है यहाँ पे आपका सारा क्वेश्चन नंबर 43, जिसमें सबसे ज्यादा क्वेरीज आई थी मुझे, ये है। एक्स वाई जेड एन इंडियन फर्म विल नीड टू पे जापानीज येन। अब आप मुझे बताओ, इंडियन फर्म होम करेंसी फॉरेन करेंसी INR जापानीज येन। अब हमें क्या करना है? हमें जापानीज येन पे करना है किसी को ना, कुछ मंगाया होगा जापान से, पे करना है जापानीज येन, तो जापानीज येन खरीदना पड़ेगा। व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू बाय जापानीज येन एंड दैट मींस वी वांट टू सेल INR। मैं जापानीज येन खरीदूंगा तो बैंक को कुछ दूंगा ना, क्या? रुपीस। तो मैंने रुपीस बेचा, जापानीज येन खरीदा। अब ये क्वेश्चन बोलता है कि आपके पास में ये डिटेल दी गई है, ऑप्शन में स्ट्राइक प्राइस है जापानीज येन 2.125, कॉल ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा, पुट ऑप्शन इतने प्रीमियम में मिलेगा। बोलो, कॉल ऑप्शन लोगे कि पुट ऑप्शन लोगे? अब आप यहां पे गलत डिसीजन कैसे लेते हो? आप ये देखते हो कि मुझे क्या चाहिए। सर मुझे जापानीज येन तो बाय करना है, और बाय करना मतलब कॉल ऑप्शन, तो आपने ले लिया कॉल ऑप्शन जो कि हो गया गलत।
कैसे गलत हुआ आप उसी